pleasure and honor to have both of you. In fact, Laddu plays such an शादी के लड्डू भी दिए जाते हैं, कहते हैं कि शादी के लड्डू खाए तो भी पछताए, नहीं खाए तो भी पछताए. तो लड्डू हमारे हर इट्स एन इंटीग्रल पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ एवरी सेलिब्रेशन. एंड कैन यू टेल मी योर एसओआई शक्ति कैसे? अरे ओ दादा, मंगल मूर्ति. रवीना, I would request you to please टाटा आय शक्ति बेसन. और ये बहुत ही हेल्दी बेसन है, तो अभी यार तुम पीछे ले ना यार, ये पीछे ले ना, ये भी जा रहा है, थोड़ा पीछे आ जाओ, ये नीचे रहो, ये क्या जा रहे लड्डू के. देवेंद्र राजा का जय हो. ये शान कोनाचे अंदर नीचे राजा जी. अरविंद जी, जम 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 राजा को सबसे बड़ा भेंट मिल रहा है, वो है महालड्डू. और ये वर्ल्ड का नंबर आगे बढ़े, मुझे यहाँ आने के लिए न्योता दिया गया है और सबके लिए ये मैं कोशिश किया. रवीना भी माइंड हैव टू कम अ लिटिल दिस साइड. हाँ जी, सांगा सुमित पूछ रहा है क्वेश्चंस, फोकस में आ गया. रवीना, बहुत स्वागत ये अमेरिका राजा में. यहीं पे क्यों चुना आपने और गणपति के छठे दिन आने? गणपति जी के दर्शन मैं फर्स्ट डे से ही कर रही हूँ. मेरे घर में भी गणपति रहता है, हम सवा दिन का रखते हैं, लेकिन हम वहीं जो जैसे इमर्शन जिसे कहते हैं, हम सी वगैरह में नहीं लेके जाते हैं, हम अपने घर में ही करते हैं, तो थोड़ा इको फ्रेंडली मामला है. लेकिन जहाँ तक कि अंधेरी जा राजा का है, उनकी एनिवर्सरी है, क्योंकि ये 50वां साल चल रहा है, ये गोल्डन जुबली है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि इतने सालों से मैं नहीं आई थी और पहली बार आई हूँ. और बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि इनके गोल्डन जुबली में मुझे न्योता दिया गया है और मैं आई हूँ. मैं बहुत खुश हूँ और मैं समझती हूँ ये मेरे लिए एक स्पेशल आशीर्वाद होगा. मैं तो बोलती हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका एसोसिएशन लड्डू के साथ क्या था, ऐसे जिंदगी भर मुझे लोगों ने लड्डू बुलाया है, तो करियर वाइज रॉन्ग मूव है, लेकिन फ़ायदेमंद ये है कि जिस कारण हम आज यहाँ आए भी हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये सबसे बड़ा यू नो दुनिया का लड्डू जो आज बना है, वो कर्टसी आई शक्ति टाटा बेसन की तरफ से बना हुआ है, क्योंकि इनका जो बेसन है वो थोड़ा लाइट है. हम जो अपने कैलोरीज काउंट करते हैं, हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालना पड़ता है, बहुत जल्दी से फ्राई हो जाता है, तो एक अच्छी चीज़ है. मैं तो ज़रूर बाद में खाने वाली हूँ. मैं आप लोग सबको इन्वाइट करती हूँ, आप लोग भी आके फिर प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें. अभी ना आप इतनी स्वादिष्ट दिखती हैं, इतनी स्वादिष्ट लड्डू भी बनाती हैं आप? जी हाँ, लेकिन लड्डू से ज़्यादा मेरा फेवरेट डिश जो मुझे बहुत पसंदीदा है, मेरा भी फेवरेट है और मैं बहुत अच्छी तरह बनाती भी हूँ. नेक्स्ट टाइम सुमित आपको भी बुलाऊंगी और आप सबको भी बुलाऊंगी. मैं गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो अभी आप लोग कुछ उसके लिए निकालिए, कुछ स्पेशल मावा वगैरह है ना, बहुत बहुत ज़रूरत है उसकी. गणपति जी से कोई थोड़ी याद आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आज आप उनके द्वार पर हैं. बचपन से जुड़ी यादें हैं, जब हम बहुत छोटे थे, एक सोसाइटी में रहा करते थे, पापा का फ्लैट वहाँ था,
और वहाँ से जब से बच्चे थे हम लोग गणपति जी के दर्शन कर रहे हैं और गणेश चतुर्थी के समय हम पूजा करते थे और जू भी जाया करते थे, उनको ठेले में लेकर, जब ठेले में हम लोग सब बच्चे बैठ जाते थे और वहाँ जू भी ले जाते थे हम लोग उनको दरिया में समर्पित करने, तो वो जो यादें हैं वो बचपन की यादें वो बहुत ही खूबसूरत हैं। एंड आई थिंक एक जो माहौल बन जाता है गणपति जी के दौरान वो एक अपने आप में ही एक मन को शांति देने वाला माहौल होता है। मैंने मांगा है लेकिन मैं आपको कैसे बताऊँ, आप भेजोगे ऊपर रवीना जी मांगा है, वो तो कर लो यार, वो कंप्लीट कर लेना। हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले ये है कि हम वी वॉन्टेड टू डू समथिंग स्पेशल दिस गणपति माहौल ही ऐसा है कि उत्सव का पूरा माहौल है एंड अंधेरी सा राजा में हम लोग करना चाह रहे थे कि जो भेंट देना चाह रहे थे एंड उसके ऊपर हम लोगों ने सोचा कि हुम कैन वी ब्रिंग एंड वी डिडंट वांट लड्डू जैसी कौन दिखती है नॉट लाइक दैट बट रियली समवन हु इज फेमस हु कैन रियली टॉक अबाउट दिस बिकॉज शी इज योर हेल्थ कॉन्शियस पर्सन वी नो दैट एंड सबसे That was awesome. I'll keep that. Fantastic, yeah.